सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, कभी होता है डरपोक। अब मैं घबरा गया, हमने कहा अब क्या करें। तब मैंने आगे बात बदल दी, मैंने कहा परंतु कोर्ट था नरम, परंतु कोर्ट था नरम, मिटे सकल भरम वरम, कि कोल ब्लॉक अंडरम उठा नया भवन डरम। कोल ब्लॉक अंडरम उठा नया भवन डरम, अछुंदरम छछुंदरम भये सभी दिगंबरम, कि बच गए चिदंबरम बच गए मुछंदरम। कोल ब्लॉक अंडरम उठा नया भवन डरम, अछुंदरम छछुंदरम भये सभी दिगंबरम, कि बच गए चिदंबरम फंस गए मुछंदरम। फिर नया था थंडरम, और नए नए वो लेके आए वहां पर कि ये हम दे देंगे तो चुनाव में जीत जाएंगे, दे देंगे। तब मैं लिखा था कि फिर नया था थंडरम, कि सब्सिडी सिलेंडरम, कि वाडरा भवन डरम, कि माल सब गडप करम। पुनः था जालिम लोशनम, आरक्षणों प्रमोशनम, किसी को कुछ भी होशनम, रेप यौन शोषणम, और सहमत से कर तो दोषनम। ये कानून लेके आए थे सहमत का कानून। गिरा चरित्र शेयरम, गिरा चरित्र शेयरम, शरम शरम महाशरम, पवित्र स्थल बने हरम, कि आसाराम आश्रमम। तो सकल व्यवस्था चरमरम, सकल व्यवस्था चरमरम, चौटाला आदि अंदरम, तो यह देखो दृश्य सुंदरम, और बोलो वंदे मातरम। श्री महाकलयुगे महाकलिकाले अद्य ह्यूस्टन नगरे नगर मध्ये त्वं जन समक्षौ पठितम्, पंडित सूर्य कुमार पांडे पुरचितम्, घोटाला स्तोत्रम् प्रथमोध्यायः समाप्तः। और अपने इस चक्र में मैं आपको चार पंक्तियां सुना के दूसरे कवि को आवाज देना चाहता हूं कि मुझे मुझे गुजरे पलों की साइट पर तुम सर्च कर लेना, मुझे गुजरे पलों की साइट पर तुम सर्च कर लेना, खरा 100% हूँ टेस्ट या के रिसर्च कर लेना, हंसी का गोल्ड क्वाइन हूँ रखो तुम दिल के लॉकर में, जरूरत जिंदगी को जब पड़े तब खर्च कर लेना। क्या बात है साथियों, आपने मुझे इतना स्नेह दिया है, मैं बहुत अद्भुत हूँ, किंतु कवि सम्मेलन यह नहीं है, कविता यह नहीं है। हम आते हैं सुनाते हैं अपने तरीके से, हर कवि अपनी विधा में लिखता है, लेकिन एक ऐसे कवि को इस वर्ष आपके बीच में हम उपस्थित करने जा रहे हैं जिसे जब आप सुनेंगे तो पिछले यहाँ के जो हम 5 कार्यक्रम करके आए हैं उसमें और भारत में तो बराबर हमारे साथ कवि सम्मेलनों में होते हैं, मैंने देखा है उनको सुनते हुए लोगों की आंखें गीली हो जाती हैं। ऐसी संवेदना, शब्द की वह शक्ति जिसको उस कवि को जब आप सुनेंगे आप भीतर तक भीग जाएंगे, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और अगर गारंटी इसलिए ले रहा हूं कि अगर मजा ना आए तो पैसा वापस। सही बता रहा हूं, इतना बढ़िया कवि है। बड़े बड़े गीतकार हुए देश में, और हमारे पुरानी पीढ़ी के निराला, बच्चन, और उसके बाद नीरज ने बहुत अच्छे लोकप्रिय गीत लिखे हैं, महादेवी वर्मा ने गीत लिखे। लेकिन मैं बार बार सोचता हूँ कि यह कवि जो चित्तौड़गढ़ है, जो राजस्थान में एक जिला है, उस जमीन से आता है, और इस कवि ने ऐसा काम किया है कि उनसे ऐसे विषय छूट कैसे गए जिस पर इस कवि ने अपनी लेखनी उठाई। और जब लिखना शुरू किया हमारे रमेश शर्मा ने तो पूरी जगह धूम मच गई कि क्या हिंदी में इन भावनाओं को लेकर भी गीत लिखे जा सकते हैं क्या। रमेश शर्मा अपने तरह का इकलौता और अनूठा कवि है, और मैंने जो बात कही है इस बात को सिद्ध करेंगी आपकी तालियां। हम रमेश शर्मा को बुलाने जा रहे हैं, वे आएंगे आपको ऐसे ऐसे विषयों पर कविताएं सुनाएंगे। मेरा मन है कि पहले वो जो जीवन का नकलीपन है
और कवि क्या क्या लिखता रहता है उसके बारे में अपना एक गीत सुनाएं, उसके बाद वो रिश्तों को लेकर एक अलग ढंग से बात करते हैं, वे आएंगे स्वयं उसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि चित्तौड़गढ़ के इस कवि को के बारे में मैं कुछ कह सकूं। रमेश शर्मा चित्तौड़गढ़ से आते हैं, आप जानते हैं चित्तौड़गढ़ जहाँ महाराणा प्रताप हुए। मैं तो सोचता था कि भाला वाला लेके आए होंगे यहाँ, नहीं एक बार रामलीला में ऐसा हुआ, ये लेकर राणा प्रताप की वेशभूषा में भाला लेके खड़े हो गए और बस कंडक्टर से कहा कि टिकट नहीं लूंगा, वो भी थोड़ी दूर बस रोक के बोला चित्तौड़गढ़ आ गया उतर जा। लेकिन ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। वह चित्तौड़गढ़ जहाँ मीराबाई हुई, जिन्होंने प्रेम के श्रेष्ठ गीत दिए हैं, उस भूमि से आज के समय का महत्वपूर्ण कवि गीतकार रमेश शर्मा आता है, और रमेश शर्मा जो अपने गीत सुनाएंगे आप आकंठ डूब जाएंगे, और इनके काव्य पाठ के बाद आप स्वयं कहेंगे कि पांडे जी आपने एक बहुत ही अच्छे कवि को यहाँ पर इस मौके पर उपस्थित किया है। जोरदार तालियां बजाएं यहाँ से वहां तक। सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, और जैसा आदरणीय पांडे जी ने बताया, मैंने रिश्तों के कुछ गीत लिखे हैं, और कवि या शायर के दोहरेपन कहने का कुछ और उसके अपने होने का कुछ जो बर्ताव होता है, उसकी पत्नी उससे ज्यादा वाकिफ होती है। वो कहती है आप बेकार की बातें करते हैं, ये क्या लिखते रहते हैं, आप जैसा लिखते हैं आप वैसे हैं नहीं है, आप हैं कुछ और लिखते कुछ और हैं। तो वो जो शिकायत करती है, तो मैं पहला गीत आपको कवि की पत्नी का, जो कवि की कवि से वो कह रही है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताज महल संग मरमर क्या कंकर ही नहीं, सूखी नदियां नाव लिए तुम बहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताज महल संग मरमर क्या कंकर ही नहीं, सूखी नदियां नाव लिए तुम बहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। पंक्तियां देखें, आपके दीपक शमा चिराग में आग नहीं पर जलते हैं, आपके दीपक शमा चिराग में आग नहीं पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं, आँच नहीं है चूल्हे में पर कांख में सूरज दाबे हो, आँच नहीं है चूल्हे में पर कांख में सूरज दाबे हो, सीले घुटन भरे कमरे में वेग पवन का थामे हो, ठंडी मस्त हवा हो तो भी बहते हो यूं भी, क्या लिखते रहते हो यूं भी, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही, क्या लिखते रहते हो यूं ही। वो कहती है कि आपने खूबसूरत महिलाओं के अप्सराओं के गीत लिखे, झील पर टहलती, छत पर जुल्फ सुखाती, चांद निहारती, लेकिन आपने इस तरह नहीं लिखा,
चंचल चंद्रमुखी चाल से कंकर चुनते नहीं लिखी। चंचल चंद्रमुखी चाल से कंकर चुनते नहीं लिखी। परी को नल की लंबी कतार में स्वेटर बुनते नहीं लिखी। चंचल चंद्रमुखी चाल से कंकर चुनते नहीं लिखी। परी को नल की लंबी कतार में स्वेटर बुनते नहीं लिखी। पाँव धसे दल दल में पतंग सतरंगी उड़ाते फिरते हो। पाँव धसे दल दल में पतंग सतरंगी उड़ाते फिरते हो। दिन दिन झड़ते बाल बिचारे सुल्फे गाते फिरते हो। दिन दिन झड़ते बाल बिचारे सुल्फे गाते फिरते हो। खड़ा हिमालय बातों का कर कहते हो यूं ही क्या लिखते रहते हो यूं ही। 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 पंक्तियां देखें। ठोस कदम की बातें करते कठिनाई से बचते हो। ठोस कदम की बातें करते कठिनाई से बचते हो। बिना किए ही मेहनत के तुम मेहनत के छंद रचते हो। सारी दुनिया से रूठे हो कारण क्या कुछ पता नहीं। सारी दुनिया से रूठे हो कारण क्या कुछ पता नहीं। भीतर से बिखरे टूटे हो कारण क्या कुछ पता नहीं। प्रश्न बड़े हैं उत्तर जिनके कहते हो यूं ही। क्या लिखते रहते 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 हो यूं ही। गीत की अंतिम पंक्तियां और वो कहती कि कभी आप सच का आमना सामना करके भी देखें, सिर्फ हवाई बातें करने से क्या होता है। गीत की अंतिम पंक्तियां देखें। कभी कल्पना लोक से निकलो सच से दो दो हाथ करो। कभी कल्पना लोक से निकलो सच से दो दो हाथ करो। कीचड़ भरी गली में घूमो फिर सावन की बात करो। कल्पना लोक से निकलो सच से दो दो हाथ करो। कीचड़ भरी गली में घूमो फिर सावन की बात करो। छाई पड़े हुए है कहो मामा क्या करूं मैं कैसे शान से रहूं मैं। सर उठा के चलना क्या लड़की की गलती है। मुस्काई माँ सयानी समाज माँ कौन है। माँ समाज है। समाज में क्या सिखाता है दबना झुकना चुप रहना। मुस्काई माँ सयानी बोली सुन मेरी रानी अपने समाज का तो यही व्यवहार है। घर में तेरी सुरक्षा बाहर है तेरे भक्षा। चौखट के बाहर का यही सत्कार है। अकेले बाहर न जाना नजरे न तू उठाना। फेर ले निगाह चाहे जैसा चित्कार है। जिसके भी रंग ढंग बेढंग हुए तो जानो सड़कों के भेड़ियों का वही आहार है। माँ ये घर में तेरी सुरक्षा है तो बेटी क्या कहती है हंसती है। बात सुन बेटी बोली नहीं माँ गलत है तू। घर की मीनारों को भी हिफाजत चाहिए। बात सुन बेटी बोली नहीं माँ गलत है तू। घर की मीनारों को भी हिफाजत चाहिए। कमी नहीं भेड़ियों की घर के सीमाओं में भी। बस बंद खिड़की में बगावत चाहिए। अपने ही अंकल से कितनी परेशान हूँ मैं। खुद को बचा सकूं वो ही मांगत चाहिए। और कह दूं दुनिया भर से ये बात अभी दे माँ मुझे आज तेरी इज्जत चाहिए। फिर ये कहना
है क्योंकि हम चुप हो जाते हैं मान आन शान के कारण। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए कि अगर आपके पास ये सवाल लेके कोई आए तो इतना दम रखे, हिम्मत रखे कि बात घर की नहीं, बात एक बच्चे की अस्मिता की, उसका विश्वास की है। तो आगे बढ़िए, कहिए कि ताकि ये जुर्म अब दोबारा ना हो सके। मैं क्यों कह रही हूँ ये सब, क्योंकि एक शक्ति माँ सरस्वती ने दी है जो कलम है, बहुत जिम्मेदारी के साथ निभानी पड़ती है। अंतिम इतना ही कहना चाहूंगी, मैं कौन हूँ, कवियत्री कौन, कवि कौन है। मैं निंदा हूँ उन गलियों की जहाँ लोग करें बातें खोटे, शर्मिंदा हूँ उन शहरों पर जहाँ सोच अभी तक हैं छोटे। दहशत वहशत को पनाह देती वो दरिंदगी की सियाह भूख, मैं चिंता हूँ उस माथे की जब रात बेटी घर ना लौटे। मैं चिंता हूँ उस माथे की जब रात बेटी घर ना लौटे। हमारे अर्चना ने इतना बढ़िया गीत सुनाया है, माँ बेटी और उसके संबंध में क्या है कि औरत नारी जो कभी माँ होती है, कभी हमारी बहन होती है, कभी हमारी प्रेयसी होती है, कभी हमारी पत्नी होती है, उसके बहुत रूप हैं। मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं अपनी कि कभी राखी कभी पायल, देखिए संकेतों में कवि कहता है, कभी राखी कभी पायल, कभी आंसू कभी काजल, तुम्हारे शीश पर रखा हुआ ममता का मैं आंचल, विकल हूं आज कल हूं मैं तुम्हारा, बहने दो कल कल, मैं बेटी हूं, मैं बेटी हूं, संवारो तुम हमारा कल। हम जो हर देश में भ्रूण हत्याएं हो रही हैं उसकी चिंता है हमें। मैं आई गर्भ में और तुमने कोशिश की मिटाने की, न मुझको रोक पाई घृणित सोचे इस जमाने की, तुम्हारी पितृ सत्ता को धता मैंने बताई है, लिया है जन्म धरती पर प्रथम जीती लड़ाई है, तुम्हारी गोद में मैं आ गई दो नेह का संबल, मैं बेटी हूं मैं कन्या हूं, संवारो तुम हमारा कल। कभी बहुत बहुत बधाई तुम्हें अर्चना, बहुत सुंदर लिख रही हो और इतने श्रेष्ठ गीत सुनने को हमें मिलेंगे। हमारे देश में भी हम चाहेंगे कि तुम आओ और वहां तुम्हारे गीत हम लोगों को सुना सके। तो इस बिंदु पर मैं दो तीन कविताएं अपनी सुना देता हूं, क्योंकि अगले कवि तक आपको ले चलूंगा। मुझे यहाँ के पोस्टर्स में व्यंग्यकार लिखा गया है, इसलिए मुझे व्यंग्य की यह कविता सुनाने की आप अनुमति दें। यह कविता देखिए व्यंग्य कैसे बात करता है, हास्य की कविताएं हमारे भाई अटल जी सुनाते गए और मैं भी लिखता हूं। हम लोग हास्य और व्यंग्य में बहुत अंतर नहीं कर पाते हैं, कहीं मंचों की मजबूरियां भी होती हैं, हंसाना भी पड़ता है आपको और गंभीर बातें भी करते हैं। एक छोटा सा व्यंग्य आपको सुनाता हूं। यहां तो मुझे नहीं कहीं भी दिखते, हमारे यहाँ मच्छर बहुत होते हैं, तो हाँ हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हमारे यहाँ मच्छर खटमल सब होते हैं, इन्हें भी होना चाहिए, प्रकृति ने बनाया है, हमारा खून चूसने के लिए यहाँ भी है, यहाँ भी आ गए। अरे कहाँ से ले आया, सुनिएगा कविता। मच्छरदानी के भीतर पकड़ में आ गया एक मच्छर अभागा, मच्छरदानी लगा के सोते हैं हम, मच्छरदानी के भीतर पकड़ में आ गया एक मच्छर अभागा, मैंने उस पर प्रश्न दागा, ओ जालियां वाला बाग के ओ डायर, अब जाली में के अंदर बैठा है ना कभी, तो कभी जहां होता है वहीं की भावनाएं निकल जाती हैं, तो मैंने कहा ओ जालियां वाला बाग के ओ डायर, डेंगू वायरस के होलसेल सप्लायर, तुम सिर्फ मलिन बस्तियों में गरीब लोगों में स्लम्स में अपनी बीमारी बांट रहे हो, अरे उन्हें जाके क्यों नहीं काटते,
जो धर्म जाति और संप्रदाय के नाम पर अपने देश का गला काट रहे हैं। आप सिर्फ मलिन बस्तियों में अपनी बीमारी बांट रहे हैं, अरे आप उन्हें जाके क्यों नहीं काटते जो धर्म जाति और संप्रदाय के नाम पर अपने देश का गला काट रहे हैं। अरे अगर आपके काटने से उन्हें भी डेंगू या मलेरिया बुखार हो जाए तो आपका हमारे देश पे बहुत बड़ा उपकार है। मच्छर का उत्तर सुनिए, व्यंग्य में मच्छर का उत्तर सुनिए। मच्छर कहता है कि मच्छर बोला हमें क्या, हमें क्या, हम तो उन्हें भी काट खाएंगे, हम तो उन्हें भी काट खाएंगे, लेकिन आप एक बात बतलाएंगे कि अगर उन्हें काटने से उल्टे कहीं हमें एड्स हो गया तो हम अपना इलाज जाते हैं। व्यंग ऐसे ही बात करता है। देख, मैंने एक नेता से पूछा कि आप क्या करते हैं, नेता बोला हम कुछ नहीं करते, हम मात्र वादा करते हैं, हम सिर्फ वादा करते हैं, और वास्तव में जब कभी कुछ करने का इरादा करते हैं तो उसे हम नहीं करते, उसे हमारे इलाके के दादा करते हैं। मैंने कहा आपके दादा, व्यंग देखिए, मैंने कहा आपके दादा तो कुछ ज्यादा करते हैं, नेता बोला वे ज्यादा नहीं करेंगे, हम इसका वादा करते हैं। एक चोट चोट जोड़ेंगे आपको सुना दिया मैंने। आइए, जिस मूड की मैं कविताएं लिखता हूं, कोई लंबी कविता नहीं शुरू करूंगा क्योंकि आसकरण अटल जी बड़ी शनि की तरह वक्र दृष्टि मेरी ओर रखे हुए हैं, इसलिए शनि के प्रकोप से बचना है, तो इसलिए मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं। देखिए, आदमी 20 साल तक आशिक होता है, 40 साल होते होते रसिक हो जाता है, जब 50 साल का होता है तो सिख हो जाता है, और 60 साल के बाद सारा मामला मानसिक हो जाता है। तो हम लोग तो वहीं से बातें निकालते हैं, वहीं से बातें करते हैं। अब हमें तो कोई ऐसा मिलता नहीं। ये घटना हुई तब मैंने लिखा कि हम हो गए हैं मूंगफली की तरह सस्ते, हम हो गए हैं मूंगफली की तरह सस्ते, उनके अपने अब तो जुदा हो गए रस्ते, था वैलेंटाइन डे हम फूल लेके जो लपके, वो दूर से ही बोली कि अंकल जी नमस्ते। अच्छा, जो हमारे हंस रहे हैं ये हमारे भाई लोग, इनकी व्यथा मैं गाता हूँ, इनकी व्यथा मैं आपको सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है एक विवाहित पुरुष की व्यथा। कविता सुनिए। एक विवाहित पुरुष 100 वर्ष जिंदा रहा और मर गया, एक विवाहित पुरुष 100 वर्ष जिंदा रहा और मर गया, विवाहित होके भी 100 वर्ष जिंदा रहा, दुनिया में बहुत बड़ा अचंभा का चंभा। मरने के बाद जब वो स्वर्ग में आया, उसने अपनी पत्नी को वहां भी मौजूद पाया, बहुत घबराया, बोला अब यह स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहा। यमदूतों ने उसे समझाया, भैया यह स्वर्ग है नर्क नहीं है। वह बोला जब मेरी वही पुरानी वाली यहां भी मौजूद है तो मेरे लिए स्वर्ग और नर्क में कोई फर्क नहीं। कर ले सकता हूं कविता से, स्वर्ग और नर्क में कोई फर्क नहीं है। यमदूत बोले तुम्हारी पत्नी अब जिंदा नहीं, भूत है। और बोला मेरे लिए आप लोग नहीं, यही यमदूत है। अब तो अमृत का प्याला भी शराब हो जाएगा, अमृत का प्याला भी शराब हो जाएगा। अगर मैं यहां रहा मुझे भूत की कोई चिंता नहीं, अगर मैं स्वर्ग में रहा तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोग मुझे यहां से निकाल दें और मेरे खानदान के और सारे लोग जहां नरक में हैं मुझे भी वहीं डाल दें। तो धन्य यमराज की माया कि एक निरीह जीवात्मा को मरकर भी चैन नहीं मिल पाया, तो उसके ट्रांसफर की पत्रावली, उसके स्थानांतरण की फाइल पूरे 9 महीने 365 दिन चली, तब कुछ ले दे के बात निकली, हमारे बिना लिए दे कुछ होता नहीं, तब कुछ ले दे के यह बात निकली कि उसका ट्रांसफर स्वर्ग से नर्क हो गया, उसका ट्रांसफर स्वर्ग से नर्क हो गया, लेकिन यहाँ तो बेड़ा फिर गर्क हो गया, क्योंकि जैसे ही वह नर्क के दरवाजे पर आया गिरा और बेहोश हो गया,
यहाँ समस्या और बड़ी थी, नरक के दरवाजे पे उसकी सास खड़ी थी। मुझे भी काम करने अपने ये कुटिल दृष्टि मेरी ओर लगा है ना। आप मेरे बड़े कवि हैं, बड़े भाई हैं, और पूरा अधिकार है आपके घर पर मेरा। बड़े भाई सम्मान करता हूँ। कविता मैं सुनाता हूँ आपको, इन्होंने बड़ी जिक्र की प्रेमिका ऐसी होती है, पत्नी वैसी होती है। मैं बताता हूँ प्रेमिका क्या होती है, मैं भी सुनाओ। और ये कविता जिन लोगों के आप बैठे हो, बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग लोग, इनके किसी खास उम्र में होती हो, जिनके अभी भी होंगी और जिनके न हो, उनके लिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि मेरी कविता सुनने के बाद हो जाए। अरे सुनिए, ये प्रेमिकाएं बड़ी विकट होती हैं, और मैं आपको बताता हूँ कैसे होती हैं। ये प्रेमिकाएं बड़ी विकट होती हैं, बिल्कुल डाक टिकट होती हैं, बिल्कुल डाक टिकट होती हैं, क्योंकि जब ये निकट होती हैं तो आदमी की रंगीनियत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। आदमी की रंगीनियत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, और जब ये चिपक जाती है तो आदमी बिल्कुल लिफाफा हो जाता है। संबंधों के पानी से या भावनाओं की गोंद से चिपकी हुई हमारे संबंध उतने स्थायी नहीं होते जितनी हमारी भावनाएं होती हैं। एक की तुलना गोंद से और एक की तुलना पानी से की है इस कवि ने कि संबंधों के पानी से या भावनाओं की गोंद से चिपकी हुई जब वे साथ साथ चल पड़ती हैं तो अपने आप में हिस्ट्री हो जाती हैं, अपने आप में मिस्ट्री हो जाती हैं, और कभी कभी जिंदगी के डाकखाने में उस लिफाफे की रजिस्ट्री हो जाती है। प्रेम विवाह उस लिफाफे के रजिस्ट्री हो जाते हैं, तो वैसे लिफाफा इनके साथ जिंदगी भर रोता है। अरे मुहर इनके लगती है, दर्द लिफाफे को होता है। वैसे इनके साथ होने पर लिफाफे का अपना बड़ा रंग होता है, लेकिन जब ये नहीं होती तो लिफाफा बेरंग होता है। लिफाफा बेरंग होता है। तो मेरा आपको भी एक सुझाव है, विनती है, रिक्वेस्ट है, अरदास है कि आप, अरे आप अकेले ही 1.25 लाख के बराबर बैठे हैं साथ, अरे उधर भी है एक, अच्छा अच्छा, अरे प्रणाम करता हूँ। वो कौम है जिसने कि देश की आजादी के लिए और आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है, अरदास है कि आप अपनी जिंदगी के लिफाफे पर किसी भी मूल्य का या किसी भी आकार का डाक टिकट चिपकाइए, किसी भी मूल्य का या किसी भी आकार का डाक टिकट चिपकाइए, लेकिन जरा कायदे से निभाइए, किसी दूसरे के लिफाफे का डाक टिकट अपने लिफाफे पर मत चिपकाइए। दूसरे के लिफाफे का डाक टिकट अपने लिफाफे पर मत चिपकाइए, कहीं ऐसा न हो कि इससे कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं ऐसा न हो कि इससे कोई दुर्घटना घट जाए और कोई आपके लिफाफे का डाक टिकट छुड़ाने लगे तो आपका लिफाफा ही फट जाए। ये प्रेमिकाएं बड़ी विकट होती हैं, बिल्कुल डाक टिकट होते हैं। छोटी सी कविता और सुनाता हूँ, और ये कविता भी आनंद की कविता है, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब हमारे देश में, भारत में, दलित विमर्श, नारी विमर्श जैसे विषय पर बात नहीं की जाती थी। आज तो बहुत कुछ है, बड़ा बदलाव आया है, लेकिन कुछ बातें थीं जिसके लिए मैंने कविता लिखी। आरंभ में आपको लगेगा कि कहीं नारी का इसमें उपहास किया जा रहा है, परिहास किया जा रहा है। एक कवि जिस बिंदु तक जाना चाहता है उसके लिए कुछ शुगर कोटिंग करता है, वो शुगर कोटिंग है, लेकिन उस कड़वी बात तक, उस सच्चाई तक आपको ले चलना चाहता हूँ मैं, और उसके बाद अगले कवि को बुलाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है पत्नी और घड़ी। अब देखिए क्या है, घड़ी जब खराब होती है तो बंद हो जाती है, और पत्नी जब बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है।
तब मैंने एक कविता लिखी कि कुछ लोग कहते हैं पत्नी एक समस्या बड़ी है, कुछ कहते हैं पत्नी मुसीबतों की लड़ी है, कुछ कहते हैं पत्नी एक हथकड़ी है। मैं कहता हूं पत्नी न मुसीबत है न समस्या है न हथकड़ी है, वह तो सिर्फ एक घड़ी है। वह तो सिर्फ एक घड़ी है, क्योंकि जब यह बंध जाती है तो अपने आप में एक टंटा हो जाता है, अपने आप में एक टंटा हो जाता है, और आदमी इस घड़ी के साथ लटक के पूरी जिंदगी घड़ी का घंटा हो जाता है। मैंने एक सम्मेलन में ये पंक्तियां सुनाई, सुन के बोले अटल भाई पत्नी घड़ी कैसे है आप बताएंगे, खुलासा करके समझाएंगे। मैंने कहा आप भी बिल्कुल वही हैं, लगता है आपके पास दोनों ही नहीं। इसलिए मेरी सुनिए, ध्यान से गुनिए। आप वाली चीजों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने मामले में है एक विशेषता, अपने मामले में है एक विशेषता कि अपनी तो दोनों ही गोल मटोल दिखती हैं, टिक टिक कर चलती हैं, चल चल कर टिकती हैं। वैसे हमने कुछ साक्ष्य जुटाए हैं, एविडेंस, और व्यंग की पंक्तियां लीजिएगा कि हमने कुछ साक्ष्य जुटाए हैं जिनसे पता चलता है कि पत्नी और घड़ी में बहुत सारी समरूपताएं हैं। तो एक चलती है पत्नी और घड़ी, एक चलती है दूसरी मचलती है, और यदा कदा दोनों की अनुपस्थिति बहुत कम है। वैसे तो दोनों ही अप टू डेट रहती हैं, लेकिन कुछ की दोनों ही लेट रहती हैं, मेकअप वो करने में हो जाता है। वैसे इनमें अब एक और बात खास होती है कि चेन और सुइयां दोनों के पास होती हैं। वैसे पत्नी और घड़ी दोनों ही स्त्रीलिंग हैं और अंदरूनी मामलों में बिल्कुल स्प्रिंग है। और हंसने की बात नहीं, स्प्रिंग का मतलब बसंत, खुश रहने वाले, ये भाव है। बताना पड़ता है, अर्थ समझाना पड़ता। पत्नी और घड़ी दोनों ही स्त्रीलिंग हैं, लेकिन अंदरूनी मामलों में बिल्कुल स्प्रिंग हैं। वैसे इनमें एक और बात खास होती है कि चेन और सुइयां दोनों के पास होती हैं, दोनों ही दूसरे को उधार मांगे नहीं दी जाती, दूसरे के भरोसे छोड़ी नहीं जाती और बिना मतलब छेड़ी नहीं जाती। अब व्यंग की पंक्तियां सुनेगा कि वैसे वैसे इनके सह संबंधों में पत्नी और घड़ी, वैसे इनके सह संबंधों में एक और भी निकटता है कि यदि ये दोनों बिगड़ जाएं तो वक्त काटे नहीं। तो मैं एक कवि सम्मेलन में गया, वहां मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अकेले ही आए थे, अपने साथ अपनी घर वाली घड़ियों को नहीं लाए थे, इसीलिए बगलें झांक रहे थे और टाइम पूछने के बहाने दूसरों की घड़ियों में ताक रहे थे। हालांकि ऐसे संवेदनशील मामलों में, ऐसे सेंसिटिव अवसरों पर मैं जरा चुप ही रहता, लेकिन आज अवसर मिला है तो आप सबसे भी कहता हूं कि माना कि भाई साहब आपकी घड़ियां आज आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, लेकिन दूसरों की घड़ियों में ताक झांक करना ये तो ठीक बात नहीं है। घड़ियां समय की प्रतीक हैं, सुंदर हैं, ठीक हैं, अब हम आपको क्या बतलाएं कि ये कैसी कैसी हैं, कुछ के पास देसी हैं, कुछ के पास विदेशी हैं, इनके अलग अलग आकार हैं, रंग रूप हैं, प्रकार हैं, कुछ के पास ऑटोमेटिक हैं, कुछ के पास चाबीदार है, कुछ के पास घंटा घर है, कुछ के पास घड़ियाल है। वैसे पत्नी और घड़ी में एक भेद बड़ा प्यारा है, पत्नी और घड़ी में एक भेद बड़ा प्यारा है जो हमने चाबी वाली घड़ियों को देखकर विचारा है कि यदि आप अपनी चाबी को यदि अपनी घड़ी को चाबी भर दीजिए तो वह मात्र 24 घंटे ही चल पाती है, वह सिर्फ 24 घंटे ही चल पाती है, लेकिन इसके विपरीत भी इनका एक नाता है कि यदि आपकी घर वाली घड़ी आपके चाबी भर दे तो आदमी पूरी उम्र चक्कर घिनी। हालांकि किससे अनंत है, लेकिन जिसके लिए मैंने कविता लिखी उस बिंदु तक आपको ले चलना चाहता हूं, नारी महिमा और नारी सत्ता की बात, और इस पर भी आप उतना ही ध्यान देंगे, उतना ही समर्थन देंगे मुझे। कहता हूं कि भले ही आप इसे कहें या न कहें, भले ही आप इसे कहें या न कहें, घड़ियां किसी भी रूप में रहें, पुरुष ने हमेशा इनसे प्रेरणा पाई है, घड़ियों ने सृष्टि की है, मनुष्य को प्रगति की राह दिखाई।
हालांकि इस बारे में ढेरों मत मतांतर हैं, लेकिन पत्नी और घड़ी में कुछ मौलिक अंतर है। घड़ियां भले ही रूपवती हों, ये पुत्रवती नहीं होती, ये विधवा नहीं होती, सती नहीं होती। भले ही बाजार में बिके, आपके पास टिके या न टिके, घड़ियां कभी ठुकराई नहीं जाती, घड़ियां दहेज की मोहताज नहीं होती, घड़ियां जलाई नहीं जाती। और मित्रों आइए इसी बिंदु पर मैं आगे चलता हूँ, और ये कट टू कट बिल्कुल अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे पास दो कवि शेष हैं, शेष क्या कहूँ, अवशेष हैं। उनमें हमारे भाई रमेश शर्मा, जिन्होंने पिछले दौर में, पिछले चक्र में आपको इतने संवेदना के उस धरातल तक ले गए थे कि आपने जिस तरह उसको अनुभव किया, अनुभूत किया था, इस दौर में भी रमेश शर्मा आएंगे और आपको अपना एक गीत सुनाएंगे और आप उनका स्वागत करें। तत्काल हम आस्कर अटल जी तक पहुंचेंगे और कार्यक्रम को स्थगित करें। आइए रमेश जी, क्या कमजोर तालियां नहीं, कल कवि के लिए सबसे बड़ा कवि है, बड़े कवि के लिए कमजोर तालियां, इसलिए मेरे तालियां चाहता हूं क्योंकि आज आपने कविता सुनी, आपने कविता सुनी, आपने चुटकुले नहीं सुने, आपने कविता सुनी है, इसलिए भाई रमेश शर्मा को मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। स्वागत है। जैसा मंच का आदेश है, मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। भाई अटल जी ने आपको गांव और शहर के फर्क की एक रचना सुनाई थी, उन्होंने गांव और शहर के फर्क को अपने तरह से कहा था, मैं अपने तरीके से इस बात को कहना चाहता हूँ। जी, मेरी रचना में लड़की बड़े शहर की रहने वाली है, महानगर की रहने वाली है, लड़का छोटे से गांव का है, वो उसे अपने गांव लाना चाहता है, लेकिन उसे गांव रहना अच्छा नहीं लगता, तो उसे मनाता है कि मेरा गांव तेरे शहर से किस तरह अच्छा है, मेरे गांव में क्या क्या खूबियां हैं, और वो शहर में जाके उसे मनाता है, और वो जो मनाता है, जो तर्क देता है उसे अपने गांव लाने के, उन तर्कों का गीत है। मैं एक गीत आपके सामने बगैर कोई बहुत बड़ी भूमिका के, क्योंकि हमें अटल जी तक पहुंचना है, मैं गीत शुरू करता हूँ। वो उसे शहर में जाके मना रहा है, वो जो तर्क दे रहा है वो कुतर्क भी हो सकते हैं, आप देखें। प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है, प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है, वहाँ बोली में है शहद, यहाँ बोतलों में भरा है, प्रिय गांव मेरे तू चल। बरसात के बहाने उसे समझाता है वो, आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली, आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली, दौड़ के तूने बड़े चाव से रखा था जो छत पर, दिन भर झूम के बरसा फिर भी तेरा बर्तन खाली, मेरा सीढ़ीदार कुआं वहां आके मुंह तक भरा है, प्रिये गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। शहर की हरियाली और गांव की हरियाली के फर्क के बारे में वो कहता है कि तेरे शहर की हरियाली कैसी है, ना भंवरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती, ना भंवरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती, तेरी नरम मुलायम मिट्टी हो न सकी उपजाऊ, गांव के मंदिर पीपल फूटा छेद दीवार की छाती, जहां बंधती है मेरी गाय वो
ठूठ तक भी हरा तेरे शहर में क्या धरा है। वो कहता है कि मेरे गांव की लड़कियां प्रेम किस तरह करती है। पीपल पत्थर पूजे मांगे अच्छे वर की मनौती, भोली लड़कियां देवलोक को दे देती है चुनौती। गांव की लड़कियां पीपल पत्थर पूजे मांगे अच्छे वर की मनौती, भोली लड़कियां देवलोक को दे देती है चुनौती। तू है ढूंढती प्रेम वेदना वैलेंटाइन डे में, वो है मानती फाग रंग को अपनी प्रेम बपोती। उनके विश्वास का सोना चल देख कितना खरा है। शहरों में सुंदरता को खूबसूरती को सिद्ध करने के लिए सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है, लेकिन मेरे गांव की खूबसूरती कैसी है उसे बताता है। सौंदर्य प्रतियोगिता के दृश्य को ध्यान में रखते हुए आप इन पंक्तियों को देखें। लज्जा जिसकी जितनी ज्यादा ताकि झांकी जाए, वो ही सुंदरी उतनी ज्यादा अंकों आकी जाए। सौंदर्य प्रतियोगिता। लज्जा जिसकी जितनी ज्यादा ताकि झांकी जाए, वो ही सुंदरी उतनी ज्यादा अंकों आकी जाए। लिपे पुते मुखड़ों पे लिपे नकली वो मुस्काने, चाल का असली ठुमका भूली आकी बाकी जाए। मेरे गांव में कंडे भीम थी एक सांवली अप्सरा है। तेरे शहर में क्या धरा है। पंक्तियां देखिए। गोली तरह तरह की नीली पीली काली खाए, रोग गोरी कैसा तुझको मुझे समझ ना आए। गोली तरह तरह की नीली पीली काली खाए, रोग गोरी कैसा तुझको मुझे समझ ना आए। नाचे चीखे कूदे कापे लगे भले ही भद्दे, भूत बावजी चिंता पीटे रोग हिरण हो जाए। तुझे सुख में भी नहीं चैन वहां दर्द भी मस्करा है। तेरे शहर में क्या धरा है। गीत की अंतिम पंक्तियां। मैंने इसमें शर्करा शब्द का प्रयोग किया है, शर्करा से मेरा मतलब डायबिटीज से है। गीत की अंतिम पंक्तियां देखें। दादी का तू नुस्खा ले ले व्यर्थ दवा अंग्रेजी, फाक बबूत जो मेरी माँ ने बड़े प्यार से भेजी। दादी का तू नुस्खा ले ले व्यर्थ दवा अंग्रेजी, फाक बबूत जो मेरी माँ ने बड़े प्यार से भेजी। बैठे बिठाए शहर में तेरे कब्ज अपच बेचैनी, थकन घुटन सर दर्द आफरा रक्त चाप में तेजी। वहां नेह में है घुली यहां देह में शर्करा है। तेरे शहर में क्या धरा है, वहां बोली में है शहद यहां बोतलों में भरा है। पिए गांव मेरे तू चल। मित्रों समय की सीमाएं हैं, इसलिए हम रमेश जी से और भी यहाँ नहीं पढ़वा पा रहे हैं। हमारी व्यवस्था है अगली बार जब ये आएंगे यूएस, इनसे और बहुत विषय हैं जिस पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। आपकी प्यास को हम रमेश जी के लिए अधूरा छोड़ते हैं। आइए अब उस कवि तक चलना चाहते हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहेंगे, भाई आस्करण अटल। मैं कोई इनके लिए विशेष भूमिका नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आए जब मैं बोल रहा था कविता पढ़ रहा था
तो ये बाहर चले गए थे, अब ये आके कविता पढ़ेंगे और मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि लखनऊ वाले किसी का उधार नहीं रखते। स्वागत करिए जोरदार तालियों से, मैं सब बता रहा हूँ, हमेशा मैं बातें कर रहा हूँ, भूमिका कविता बताता रहूँगा, आवश्यकता नहीं है। इनकी एक श्रेष्ठ कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, जिसका यहाँ जिक्र भी हुआ है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है, वो कविता क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, विशेष रूप से इस चक्र में ये सुनाएंगे, आप इन्हें देखें और वो कविता सुने। हॉल में लखनऊ वाले कितने बचे हैं? डॉक्टर साहब आप बता रहे थे ना कि लोग चले जाएंगे, उतने कितने लोग बैठे हुए हैं, ये है कविता की ताकत। कुछ लोग गए हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग गए हैं जिनको अपने पड़ोसियों पे भरोसा नहीं है, वही लोग हैं। समय कम है, सीधी सीधी कविता में आता हूं मैं, दो तीन छोटी छोटी कविताएं, एक कविता सवा मिनट की, वो इसलिए सुनाना जरूरी हो गया क्योंकि अभी हमारा घड़ी और पत्नी के बारे में कह के, मतलब पतियों की हालत वो कर दी है कि जाके पत्नी से शायद नजर ना मिला पाए आप लोग, मैं उस स्थिति में ले आता हूँ आप लोगों को जहां पे आप जाके पत्नी से आंखें मिला सके। बहुत छोटी सी रचना, बिल्कुल नहीं है, इसलिए भी सुना रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब और संगीता जी क्या सोचेंगे साहब की, बिल्कुल नई रचना जो मैं अमेरिका के लिए ही लिख के लाया हूँ, सुनेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है अपनी पत्नी को सरकार कह के बुला देते हैं, कहो सरकार क्या हाल है, सरकार। तो मैंने सोचा कि कौन सी सरकार के बारे में कह रहे हैं, सरकारें तो कई आई, मुगल सरकार आई, उसके बाद में अंग्रेज सरकार आई, उसके बाद में भी कांग्रेस की, फिर बीजेपी की। तो मैंने जो सरकार चुनी है जिसकी पत्नी से तुलना की जा सकती है वो है गोरों की सरकार, गोरों की सरकार वर्सेज गोरी की सरकार। सवा मिनट की छोटी सी कविता है और वापस प्रोग्राम को लाइव बनाइएगा, सुनेगा। पत्नी को पत्र लिखते लिखते अचानक अंग्रेजों की याद आई, तुलना की तो दोनों में भयंकर समानता पाई, तुलना देखिएगा, तुलना की तो दोनों में भयंकर समानता पाई, दोनों बाहर से आए। दोनों बाहर से आए, दोनों का गोरा रंग, अब गोरा रंग हमारा फेवरेट रंग, इसलिए हम बिना लड़े ही हार गए जंग। गोरा रंग हमारा फेवरेट रंग, इसलिए बिना लड़े ही हार गए जंग। और तुलना देखिए, अंग्रेज आए तो रेलगाड़ी लाए, बहुत बारीक बात है पकड़ना, अंग्रेज आए तो रेलगाड़ी लाए, पत्नी आई तो मारुति कार लाई। अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी आई, पत्नी के साथ साली आई, अंग्रेजी दिमाग में घुस गई, साली दिल में बस गई। अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी आई, पत्नी के साथ साली आई, अंग्रेजी दिमाग में घुस गई, साली दिल में बस गई, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। और तुलना देखिए कि गोरे मुट्ठी पर आए, गोरे मुट्ठी पर आए, मुट्ठी पर गोरों ने हम पे राज किया। तुलना देखेगा, गोरे मुट्ठी पर आए, मुट्ठी पर गोरों ने हम पे राज किया, गोरी अकेली आई, अकेली गोरी ने घर को मुट्ठी में कर लिया। गोरी अकेली आई, अकेली गोरी ने घर को मुट्ठी में कर लिया। और ये तुलना देखिए कि आने से पहले, पंक्ति देखेगा संगीता जी, आने से पहले गोरों को जानकारी थी कि भारत संसाधनों का भंडार है, भंडार ऑफ रिसोर्सेज। आने से पहले गोरों को जानकारी थी कि भारत संसाधनों का भंडार है, आने से पहले गोरी को जानकारी थी कि पति की कितनी पगार है। आने से पहले गोरी को जानकारी थी कि पति की कितनी पगार है, अब हमारे सामने सवाल था कि भंडार और पगार देकर सद्भावना बचाएं या लड़कर दोनों गवाएं।
हमारी एक भारतीयों की कमजोरी है, हम नुकसान सह लेंगे लेकिन दुश्मन के साथ में सद्भावना कम नहीं होनी चाहिए। अब हमारे सामने सवाल था कि भंडार और पगार देकर सद्भावना बचाएं या लड़कर दोनों गवाएं। हमने समझौते की राह अपनाई, सम्मान खोकर सद्भावना बचाई। हमने समझौते की राह अपनाई, सम्मान खोकर सद्भावना बचाई। और अंतिम तुलना देखिए, दोनों के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई, दोनों के खिलाफ जिसने भी आवाज, मेरा मत रख लेना, दोनों के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उसने कड़ी सजा पाई। दोनों के खिलाफ जिसने आवाज उठाई उसने कड़ी सजा पाई। अंग्रेजों से, गोरों से लड़े फ्रीडम फाइटर, गोरों से लड़े फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर को फांसी पर चढ़ना पड़ा। गोरी से लड़ा कुंवारा देवर, कुंवारे देवर को घोड़ी पर चढ़ना पड़ा। घोड़ी से लड़ा कुंवारा देवर, कुंवारा देवर को घोड़ी पर चढ़ना पड़ा। तुलना अभी तक जारी है, अंतिम पंक्तियां